मित्रों, हिंदू धर्म में नियोग एक ऐसी पद्धति है जो एक स्त्री को पर पुरुष से संबंध बनाने की इजाजत देती है और इस संबंध से उत्पन्न होने वाली संतान को समाज और धर्म दोनों ही मान्यता देते हैं। तो जानना चाहते हैं क्यों, जब हमारे धर्म शास्त्रों में दूसरी स्त्री या फिर पुरुष की ओर आंख उठाकर देखने को भी पाप बताया गया है, तो आखिर वो क्या कारण रहे होंगे कि इस नियोग पद्धति में ऐसी अनुमति दी गई, और आखिर महाभारत काल के वो कौन से महान योद्धा और विद्वान हुए जिनका जन्म नियोग पद्धति से हुआ, जानेंगे इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज की हमारी इस वीडियो में। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। तो मित्रों, इस नियोग पद्धति का उल्लेख हमें मनुस्मृति में मिलता है, जिसके अनुसार कोई भी पुरुष अगर संतान उत्पन्न करने में सक्षम न हो अर्थात नपुंसक हो, तब उसकी पत्नी संतान प्राप्ति के लिए किसी और पुरुष के साथ संबंध बना सकती है। वहीं अगर पति की अकाल मृत्यु हो जाए तो ऐसे में भी उसकी विधवा संतान प्राप्ति के लिए पर पुरुष से संबंध बना सकती है और संतान को जन्म दे सकती है। यही मित्रों, आपको ये भी बता दूं कि इस पद्धति को अपनाने के लिए चार नियम भी बनाए गए हैं। पहला ये कि अगर स्त्री का पति जिंदा हो तो वो किस पुरुष के साथ संबंध बनाएगी, इसका चयन उसका पति ही करेगा। दूसरा नियम ये कि इसके जरिए उत्पन्न हुई संतान का संबंध उस पर पुरुष से नहीं होगा और स्त्री इसके बाद उस पर पुरुष से भविष्य में कोई संबंध नहीं रखेगी। तीसरा नियम ये है कि संबंध बनाते वक्त दोनों के शरीर पर घी का लेप लगाना जरूरी है ताकि वो काम वासना में न भटके। और चौथा और आखिरी नियम ये है कि एक पुरुष अपने पूरे जीवन में सिर्फ तीन ही बार नियोग का पालन कर सकता है। मित्रों, द्वापर युग में इस नियोग विधि का सबसे पहला प्रयोग तब देखने को मिला जब कौरव वंश का कोई उत्तराधिकारी नहीं बचा। पौराणिक कथाओं के अनुसार हस्तिनापुर के राजा शांतनु की पत्नी सत्यवती ने शादी से पहले कुंवारी अवस्था में ही ऋषि पराशर के साथ एक पुत्र को जन्म दिया था जो वेदव्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। जबकि राजा शांतनु से शादी के बाद सत्यवती के दो पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर्य हुए। पितामह भीष्म ने पहले चित्रांगद को हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठाया, लेकिन वो गंधर्वों से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। चित्रांगद की मृत्यु के बाद विचित्रवीर्य की शादी भीष्म ने अंबा और अंबालिका नाम की दो लड़कियों से करवाई, लेकिन दोनों से ही उसे कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। और फिर विचित्र वीर्य भी कुछ समय बाद स्वर्ग सिधार गए। उधर महारानी सत्यवती इस बात से बहुत दुखी थी कि कौरव वंश का कोई उत्तराधिकारी नहीं बचा। ऐसे में उन्होंने भीष्म से कहा कि वो अंबा और अंबालिका से नियोग विधि के जरिए संतान उत्पन्न करे। लेकिन पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा के बारे में आप जानते ही होंगे। उन्होंने कहा कि वो प्रतिज्ञाबद्ध हैं और ऐसा नहीं कर सकते। तब सत्यवती वेद व्यास के पास गई और उनसे वंश आगे बढ़ाने की विनती करने लगी। ऐसे में वेद व्यास सत्यवती की बात को टाल नहीं सके और उन्होंने नियोग पद्धति के लिए हामी भर दी, जिसके बाद सबसे पहले अंबा वेद व्यास जी के पास गई। और मित्रों, वेद व्यास जी का तेज देखते ही उसकी आंखें बंद हो गई, जिसके बाद नेत्रहीन धृतराष्ट्र का जन्म हुआ। जबकि अंबालिका वेद व्यास का तेज देखकर पीली पड़ गई थी, इसीलिए रोग से ग्रसित पांडु का जन्म हुआ। वेद व्यास ये जानते थे कि उनके तेज को बर्दाश्त कर पाना इतना आसान नहीं है, और यही कारण था कि उन्होंने सत्यवती से पहले ही कह दिया था कि माते नियोग पद्धति से उत्पन्न होने वाली दोनों ही संतानें बलशाली और गुणवान तो होंगी, लेकिन एक नेत्रहीन और दूसरी रोगों से ग्रसित होगी। इसके बाद सत्यवती ने अंबालिका को दोबारा वेद व्यास के पास जाने को कहा ताकि राजकाज चलाने के लिए कोई अच्छी और सेहतमंद संतान उत्पन्न हो सके, लेकिन तब अंबालिका नहीं मानी और उन्होंने अपनी जगह एक दासी को वेद व्यास के पास भेज दिया। मित्रों, दासी ने इसी दौरान ना तो अपनी आंखें बंद की और न ही वो पीली पड़ी, जिससे महान गुणवान और वेदों में पारंगत विदुर का जन्म हुआ। और मित्रों, ऐसा भी हरगिज नहीं है कि ऐसा सिर्फ प्राचीन काल में ही होता था, बल्कि आज भी कई जगहों पर आपको ऐसी परंपरा देखने को मिल जाएगी। हालांकि समाज इसे खुलकर स्वीकार नहीं करता। तमिलनाडु के लेखक पेरुमल मुरुगन ने मदोरुगन नाम का एक उपन्यास लिखा, जिसमें उन्होंने नियोग विधि का जिक्र कर
ये बताया कि स्त्री ने अपनी मर्जी से पुरुष को संतान उत्पन्न करने के लिए चुन लिया। इस पर इतना विवाद हुआ कि उन्होंने लेखनी से ही संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। जबकि ये कहानी तमिलनाडु के नमक्कल जिले के थेरुंचेगोड़े शहर की थी और वहाँ के अर्धनारीश्वर मंदिर में तो बकायदा नियोग उत्सव मनाया जाता है। अंत में मैं बस इतना ही कहूँगा कि पौराणिक समय में जिस तरह स्त्री संतान उत्पन्न करने में सक्षम न हो तो पुरुष को दूसरी शादी का अधिकार मिल जाता था, ठीक उसी तरह स्त्रियों को भी ये अधिकार दिए गए थे, जिनमें से एक नियोग पद्धति को कहा जा सकता है। लेकिन इसकी चर्चा आपने शायद ही कभी सुनी हो, तो अगर आपने भी इस विधि के बारे में पहली बार सुना है तो नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहे द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें, आपका बहुत बहुत